कनाडा और भारत के बीच में बढ़ती हुई टेंशन के बीच इस मामले में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है और इस खत में जिक्र किया है कि जो कनाडा में छात्र रह रहे हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना आ गई है, वो असहाय महसूस कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही हाल उन छात्रों के परिवारों का है जो भारत में रह रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है। कनाडा में इस वक्त 6 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, इसलिए वीजा सेवा निलंबित करने का उन पर बुरा असर पड़ेगा। भारत सरकार ने वीजा सेवा को निलंबित कर दिया है, अगली सूचना आने तक ये सेवा निलंबित रहेगी। इस पर कांग्रेस सांसद की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी में कहा गया है कि जो बच्चे कनाडा में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं और जो भारत में रहने वाला उनका परिवार है वो भी अपने बच्चों की चिंता कर रहा है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है। अब ट्रूडो साहब का जहाज तो वैसे नहीं चला, वो खटा रहा था, 36 घंटे यहाँ खड़ा रहा, तो अब वहां पे जाके उन्होंने एक जो वैसे तो उनके सिटीजन है, सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो सिटीजन तो उनके हैं, तो अब वो हमारे पे ये कह रहे हैं भी इनको इंडियन एजेंसियों ने वहां पे मरवा दिया। अरे भाई निज्जर जो है, मैं आपको दो बातें बताऊं, जो मेरे ग्रैंडफादर के किलर थे असैसिनेशन जिन्होंने किया था हवारा, उसका राइट हैंड ये निजर था, 93 में यहां से गया और इसको वहां पे सिटीजनशिप दी गई। और दूसरी, अगर ट्रूडो साहब के फादर और ट्रूडो साहब की पार्टी इतनी ये सिंसियर है इस चीज में, तो जब हमारा कनिष्क एक हमारा एयर इंडिया का विमान जिसमें 300 से ऊपर लोग थे, उसमें भी मेरे मामा जी कर्नल भिंडर, मिस्टर भिंडर उसके पायलट थे, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की नहीं आज तक। तो दूसरी बात, अब ये जो निजर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, यहाँ ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था, बाकी 8 वहीं बैठे हुए हैं छपा के, वहां उनको एक डेन बनी हुई है। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।